दोस्तों इस्तकबाल है आपका भोपाल पीजेस के अंदर, और आज फिर हम हाजिर हैं उस्ताद अशरफ साहब की छत पे, और जो हमारी टूर्नामेंट कमेटी है मरहूम मुन्ने भाई खुर्रम टूर्नामेंट की, वो भी साथ में सारे साथी मौजूद हैं, हमारे हैदर भाई, आसिफ भाई और उस्ताद यूनुस साहब। और लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव बातें ज़रूर करेंगे सहारनपुरी कबूतरों के बारे में, क्योंकि जो शौकीन है हमारे उस्ताद अशरफ साहब, वो इनके बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो अशरफ भाई सबसे पहले, जबकि आज मैं आपको बता दूं जो शोक होगा आज वो टॉप वाले कबूतर हैं हाथ में उनका होगा, लेकिन पिछले पार्ट में जैसा कि मैंने बताया था इसलिए हम आज वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो अशरफ भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या क्या है सहारनपुरी कबूतर के बारे में जो आपने महसूस करा, उड़ाई भी सही, उन्हें ब्रीडिंग भी कराए, तो उसमें क्या समझ में आया आपको? सहारनपुरी कबूतर उसका तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या हमारे जी हमने जोड़ों में त्रास करा, अच्छा ओरिजिनल बनाई नहीं है आप, त्रास कर रहा उनको जी, ताकि उनमें वाहन भी ज़्यादा हो, हाँ वापसी भी हो और वो भी हो, क्रॉस ही जोड़ अच्छा सारे सबके साथ क्रॉस ही डाल रखे हैं आपने, ताकि उड़ान मुकम्मल हो जाए और वापसी हो जाए मुकम्मल, कबूतर की वापसी होना जरूरी है, कबूतर की वापसी होगी। तो दोस्तों यही मेरी भी यही राय थी कि सहारनपुरी कबूतर जो होता है पूरी तरीके से मुकम्मल कबूतर है, लेकिन प्योरिटी के अंदर उसका कोई वो नहीं है, लेकिन जब भी कोई कबूतर आपके हाथ में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन मिसाल के तौर पर लें कि अपने हाथ में जो टॉप वाले कबूतर है, अगर इनकी नस्लों के अंदर कुछ खराबी आ रही है उड़ान के अंदर या वापसी के अंदर या स्लो हो रहा है, और उन सबके अगर इनमें सहारनपुरी कबूतर डाल दिए जाएंगे तो वो सारी जो खराबियां हैं वो पॉजिटिव में बदल देंगे कबूतर अपने सहारनपुरी। तो सहारनपुरी की जो कबूतर होता है पूरे कबूतरों का हर चीज़ चेंज कर देता है, पूरा मुकम्मल तैयार कर देता है, सारी बुराइयाँ मिटा देता है, वो कबूतर इतना लाजवाब बना देता है। और जो टॉप वाले कबूतर हैं इनके बारे में कुछ बताइए सर, इन्होंने क्रॉस कर रखा है, अच्छा इनको भी कर रखा है क्रॉस, क्रॉस कर जी, और लेकिन जो आपके हाथों में ये प्योर टॉप वाले लिख रहे हैं मेरे को, प्योर कबूतर है ये वाले, अरे प्योर टॉप है इनके बच्चे बनाते हैं उनको क्रॉस करता जी। तो शुरुआत हम करना चाहेंगे हमारे उस्ताद यूनुस साहब से, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा शौक है टॉप वाले कबूतरों से, और कल्चरों को तो आप जानती हैं दोस्तों, मेरे को भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो आज मेरे पसंद का शौक आपको देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं अपन दोस्तों, आज इन सारे टोंक वाले कल्सरे कबूतरों का आपको शौक करने को मिलेगा, ये जितने टोंक वाले कल्सरे कबूतर होते हैं अम्बल सरे कबूतर हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे उस्ताद अशरफ साहब ने रख रखे, इन सब का आपको शौक करने को मिलेगा, तो पूरा देखिएगा वीडियो दोस्तों। हमारे उस्ताद यूनुस साहब हमें इस पेयर के बारे में कुछ बताएंगे जी, हज़रत इसके बारे में कुछ बताइए। ये सर टॉप वाले कबूतर हैं, नज़र के ही बहुत मजबूत होते हैं, उड़ान भी शाम तक की होती है जी, और मुझे तो जब से शौक लगा गया, मेरे उस्ताद अल्लाह बख्शे मोहम्मद खालिद मियाँ थे, अच्छा आपके उस्ताद मोहम्मद खालिद साहब थे जी, जी उनका इंतकाल हो गया है जी, आज मैं उनका नाम ले रहा हूँ, नहीं तो मैं उनसे हमेशा भाई में ही कहता था जी, टॉप वाले कबूतर ही उन्होंने हमेशा पाले हैं, मुझे भी पलवाया जी, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होते हैं टोंक वाले, क्योंकि मैं भी राजस्थान का हूँ तो इसलिए टोंक वाले कबूतर खास तौर से पसंद आते हैं मेरे को भी, तो इसकी आग देख सकते हैं दोस्तों, ये नर है शायद जी, ये वाला नर है, इसकी आग मैं आपको क्लोजअप करके दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत प्योर फॉर्म में रख रखे हैं टोंक वाले कबूतर भी, और इसकी माजन भी देख लेते हैं, फिर अपन पंजे दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि पर कटे हुए हैं इनके, ये बच्चे पाल रहे हैं कबूतर अभी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, इनके पंजे दिखा दीजिए, तो दोस्तों ये पंजे हैं देखिए आप, बहुत बारीक, और ये नरके हैं जी, तो दोस्तों ये है पैर, आप शौक कीजिए, आज
शेख साहब, आप कौन से पैर का शौक करा रहे हैं हमारे दोस्तों को? जिम टोक वाले कबूतर हैं जी, जी जालदार बोला जाता है ना जी। देखिए दोस्तों, बहुत खूबसूरत होते हैं टोक वाले, और ख़ास तौर से जो इनके सर होता है, देखिए सर पे हल्की सी लालपन आता है, क्योंकि जितने भी टोक वाले कबूतर होते हैं सब में लाल मिले हुए हैं ज़्यादातर। चाहे बाजरे देख लें आप, चाहे गंडेदार देख लें, उनमें भी लाल मिले हुए हैं। इनकी आँख का शो करते हैं, ये वाला नर है ना जी। ये आग देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त आँख है रूटी के अंदर। और माजिन देखते हैं, अरे इनके बच्चों का क्या रिजल्ट रहा है? ये भी अशरफ भाई, जैसे अशरफ भाई बताते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे उड़े हुए हैं जी। तीन दिन चार चार बजे तक इनके बच्चे उड़े जी। चलिए इनके पंजे और देख लेता हूँ मैं। ये पंजे देखिए दोस्तों, बहुत बारीक और सर्ख दोस्तों। ये मादिन के पंजे हैं, बिल्कुल खुश्क देखिए आप, और बिल्कुल बारीक है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। जनाब हैदर भाई मौजूद हैं, ये कबूतर लिए हुए। हैदर भाई, इनके बारे में कुछ बताइए। माशाल्लाह टोक के कबूतर हैं ये जी। देखिए आप, बहुत अच्छे उड़े हुए कबूतर हैं। इनको भी उड़ा रखा है? इनको भी उड़ाया कबूतर, उड़ा के जोड़ लगाई गई जी। शाम शाम बैठे हुए उड़े हुए कबूतर है। और आपका शौक तो ज़्यादा गर्मी का ही होता है मेरे हिसाब से। गर्मी में बहुत अच्छा रहे जी। ये नर ही वाला, इसकी आँख देखिए आप दोस्तों, ये पर कटे हुए हैं दोस्तों कबूतर के, इसलिए पर नहीं दिखाए जा रहे। आग देखिए आप, बहुत बढ़ गया माशाल्लाह। और ये मादिन है? ये मादिन है। कबूतर जी बहुत बढ़ गया माशाल्लाह। इनके पंजे देखते हैं, ये मादिन के पंजे हैं दोस्तों। हेलो, हाँ गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया अग्रवाल। ये नर है, इसके पंजे। अच्छा, कल 4-20 वाली फ्लाइट में चाहिए जी। जी बहुत शानदार। अशरफ भाई, आप कौन से पैर का शौक करा रहे हैं? मेरे बहुत अच्छे फेवरेट कबूतर है, मेरे फेवरेट कबूतर है उड़ने वाले जी। ये पूरा जोड़ा है इनका, पढ़ाए भी हुए हुए कबूतर है ये, उड़े हुए कबूतर, ये उड़े हुए कबूतर है ये जी। इनका टाइमिंग क्या रहा आपके पास? ये शाम तक उड़े हुए कबूतर है। गर्मी में कि सर्दी में? गर्मी में उड़े हुए कबूतर। गर्मी में भी उड़े? गर्मी में उड़े हुए। ये देखिए आप, तो नर का अपन शौक करते हैं पहले दोस्तों। नर की आग देखिए, इनके बच्चे वगैरह का भी है कुछ? हाँ बच्चे हैं इनके। हेलो, अरे यार वो जी नाम गलत दे दिया था, आज की नहीं देखना, कल की देखना। उनको बॉम्बे से देखिए आप, आज वाली तो इग्नोर करा देना ना। सुनो, बॉम्बे से पर कटे हुए पंजे दिखा दिए। इंडिगो की फ्लाइट है शाम को 4:20 पे है। देखिए बॉम्बे से इंदौर को जी, माशाल्लाह। नाम तो ये मादिन है? हाँ ये मादिन है। देखिए पूरे जर्रात दिख रहे हैं इसके माशाल्लाह। पर दिखा दी इसके, देखिए पंजे और दिखा दिए। जी जोड़ गई।
हमारे उस्ताद अशरफ भाई सारे अपने शागिर्दों के साथ मौजूद हैं भोपाल के, ये तीन शागिर्दों के साथ में। अशरफ भाई आपसे मैं चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन करवा दें आप। शमीम भाई, मैं लोगों से शौक कराऊंगा अपना कंप्यूटर। जी शमीम भाई, इनके बारे में तो कई चीज़ फेमस है। हाँ, ये पिंजरे बनाने में बहुत फेमस है। जी सेटअप भोपाल में बना रहा है जी, ज़्यादातर यही बना रहा है जी। मतलब ये जो आपका पूरा सेटअप बना हुआ है, ये सब इन्हीं का आते हैं इसमें? जी जी माशाल्लाह। और मैंने भी कई बार इनके बारे में बताया कि हमारे शमीम भाई बहुत बेहतरीन सेटअप बनाते हैं लोहे वाला, और ये ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी जा सकते हैं सेटअप बनाने के लिए लोहे का। जिनको बेहतरीन तरीके से बनवाना हो वो हर तरीके से ये बना सकते हैं। और आगे इंट्रोडक्शन करा दीजिए ताकि वो रहे। सब भाई मेरे शो कराएंगे जी। नहीं, इनका नाम क्या है? और अनस मियां है, अनस भाई नाम है इनका। तो अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। और ये फरहान भाई। फरहान, वालेकुम सलाम। और ये जैद भाई। ये जैद भाई, इनको तो मैं जानता हूँ, जैद भाई को तो। जी जी, देखो ये चार पाँच और ये साथ में खड़े हुए हैं। ये आपके छोटे भाई, इनका नाम नफीस भाई है। तो दोस्तों ये पांच पेयर्स के शोक करने को और मिलेंगे आज आपको, ये पांचों के पांचों जो हाथों में है। तो सबसे पहले हम शमीम भाई के पास ही चलते हैं। शमीम भाई, परीन कबूतर है कि परकटे हुए हैं? ये परकटे हुए हैं। अच्छा चलिए, पर नहीं है उनके, तो अपन आँखों से शोक करते हैं, आँख में देखता हूँ। शमीम भाई इनके बारे में बताइए, ये भी कौन से? ये टोक वाले। जी टोक वाले ही हैं सारे के सारे। जी टोक और सहारनपुरी का शौक आपके उस्ताद मोहतरम को है, और बहुत लाजवाब शौक है माशाल्लाह। ये मादिन देखिए, ये देखिए इनके पंजे, वो देख लेते हैं अपन। तो ये मादिन के देख सकते हैं आप पंजे, ये मादिन है। और नर के ओर देखते हैं अपन, ये नर है और शायद मेरे हिसाब से ब्रीडिंग पे लगा हुआ है ये। बहुत शानदार माशाल्लाह। देख सकते हैं साहब, ये शमीम भाई ने शौक कराया है। सारे शागिर्द अपने अपने पसंद के जोड़े लेके आ रहे हैं और शौक कराएंगे। ये हमारे अशरफ भाई के शागिर्द अनस भाई है, और अनस भाई से तो कई बार मेरी मुलाकात भी हो चुकी है। जी बिल्कुल। जी अनस भाई, इसके बारे में बताइए। जी भाई, ये टोक वाले कबूतर हैं, क्रॉस में है जी, और उड़ाने का ही शौक है हमें जी, और सेल भी करते हैं हम लोग कबूतर जी, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे जी। भी आपको तो मैं कई बार जी भाई वीडियो डली हुई है जी। और ये जो हमारे कबूतर हैं, अब आप इनका शौक कीजिए। ये पेयर्स में मादा है, ये वाली जी, ये मादा है। पूरे रिंग दिख रहे हैं इस मादिन के। तो ये देखिए ब्रीडिंग लॉफ्ट अशरफ साहब के में एक से बढ़कर एक खजाने छुपे हुए। और ये नर है? जी बिल्कुल, ये नर है भाई। नर के पंजे दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल जी, ये मादिन है। और देखिए आप, बहुत बारीक पंजे हैं। फरहान भाई है, फरहान भाई ये भी शायद टोक वाली है। फरहान भाई जी, तो फरहान भाई इनके बारे में कुछ बताइए, मैं आंखें दिखाते हैं जब तक, इनके बच्चों का कुछ रिजल्ट। ये बहुत गर्मियों में बहुत इनकी उड़ान है, और इनके लिए तीन चार घंटे गर्मियों में आम है। और ये भी टोक वाले कबूतर है। ये नर था मेरे हाथ में था जी। और ये मादिन देखिए आप, ये लास्ट गर्मियों के टूर्नामेंट में उड़ी हुई मादिन है ये वाली जी, और इस बार भी उड़ेगी। इस बार भी उड़ेगी, मतलब जोड़ा कट जाएगा अब इनका। ये देखिए जोड़ा लाजवाब है। अच्छा परी नहीं है जी, देख सकते हैं आप, पर निकले हैं नए जी, बहुत बढ़िया। चलेंगे पंजे देखते हैं अपन जी। तो ये नर के पंजे,
ये माशाल्लाह सबसे छोटे शागिर्द जैद भाई, ये कौन से कबूतर है साहब? ये भी टोक वाले हैं। टोक वाले ही हैं तो ये नर है, लेकिन देखिए आप, बहुत पुराना कबूतर है और चोंच भी टूटी हुई है इसकी, लेकिन कितने शेप से काटी गई है कि दाना आराम से खा सके ये। आप देखिए दोस्तों, ये चोंच कटी हुई है इसकी और शेप करी हुई है, शेपिंग करी हुई है ताकि दाना खा सके अच्छे से। ये नर था ये वाला है ना? मादिन, मादिन थी जी, मादिन। और ये नर है। तो आज उस्तादों के घर के टोंक वाले कबूतरों का शौक करने को मिला। टोंक वाले कबूतर वाकई बेमिसाल होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो ये पंजे देखिए, ये मादिन के पंजे हैं और ये नर है, ये इसके पंजे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जैद भाई, चलिए इनको छोड़ के और दिखा दीजिए। अशरफ साहब के छोटे भाई हैं नफीस भाई। नफीस भाई ये भी राम अपने टोक वाले ही हैं जी। आप दोस्तों इनका वजूद देखिए जी। अच्छा, मेहनत यही करते हैं सारी लोग पे जी। ये तो सरकारी कर्मचारी हैं तो सुबह निकल जाते हैं, तो सारी मेहनत हमारे नफीस भाई को करना पड़ती है। और माशाल्लाह देखिए ये वाला नर है, ये वाला बहुत बड़े वजूद का कबूतर है ये। आँख पे शौक कीजिए दोस्तों, ये आँख है और ये मादिन है, दोनों की नस्ल एक ही है, एक ही नस्लों में से हैं दोनों, या तो आगे पीछे के भाई बहन होंगे या सगे भाई बहन होंगे, एक ही नस्ल है ना जी। तो ये इनके पंजे वो दिखा दीजिए ज़रा, देखिए आप पंजे का गौर कीजिए, नर के पंजे हैं और ये मादिन के पंजे हैं जी। चलिए नफीस भाई छोड़ कर दिखा दीजिए। तो दोस्तों अभी जितने भी अपन ने कबूतर का शौक कराया और उनके ये बच्चे हमारे कमेटी मेंबर्स के हाथ में हैं, ये उड़े हुए भी हैं टूर्नामेंट के अंदर और इनका भी शौक कराएंगे। ये आज के आखिरी कबूतर हैं जो आप शौक कराएंगे। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे हैदर भाई का और आसिफ भाई का, जो मरहूम मुन्ने भाई खुर्रम टूर्नामेंट कमेटी के मेंबर्स हैं और बहुत मेहनत करते हैं माशाल्लाह, और हमारे लिए भी शौक करवा रहे हैं, सब जगह ले जाके खुद आ रहे हैं साथ में और मेरे को लेके आते हैं कहीं पे भी, जहाँ पे भी मैं लेके जाते हैं। आज इमरान भाई यहाँ चल रहा है अपन को और ख़ुद लेने आते हैं। ये वाकई ये मेहनत है जो शौक करवाने की भी होती है और टूर्नामेंट जब होता है उसकी भी होती है। तो वाकई बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई और हैदर भाई आपका। भाई ये वाला कबूतर कितने बजे तक उड़ा हुआ है अपना? दो बजे तक उड़ा हुआ है। ये सर्दी में कि गर्मी में? गर्मी में, गर्मी के अंदर दो बजे तक का ये कबूतर है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त कबूतर है जी। और जो हैदर भाई के हाथ में, हैदर भाई आपको दिखा दिए परी नहीं ये कबूतर, क्योंकि हैदर भाई तो हमारे मेरे को लेने एक घंटे पहले से आ जाते हैं साहब, बाहर इंतजार करते हैं हैदर भाई मेरा उसके बाद। तो ये देखिए आप आँखें, और ये वाला भाई कितने बजे तक उड़ा हुआ है? डेढ़ से दो बजे के बीच उतरा हुआ है ये कबूतर। ये देखिए आप, इसके कबूतर सब गर्मियों में उड़े हुए हैं। इसके पंजे दिखा दीजिए, कबूतर देखिए उनके बच्चे जी। अरे नाम भावेश अगरवाल जी, माशाल्लाह। तो ये नफीस भाई के हाथ में एक जोड़ा ही दिख रहा है शायद, मेरे को जोड़ा ही गया, ये घर के बच्चे ही हैं, घर के बच्चे जो अपन ने दिखा है उनमें से ही है। तो इनके बारे में बताइए आप कुछ। ये कबूतर अभी सर्दियों में दो दो बजे तीन तीन बजे उतरे हैं खुद से, ये वाले सर्दियों में, सर्दियों के अंदर जो अभी निकला, चार बजे तक उड़ते हैं जी। अभी देखिए आप कबूतर की आँख क्या बयां कर रही है,
क्योंकि जिनके पास होगा ये कबूतर उससे ये ब्रीडिंग करवाएंगे, लेकिन हमारे उस्ताद अशरफ साहब इनको उड़ान पे लगाते माशाल्लाह, और अभी भी उड़ेगा ही शायद, ऐसा लग रहा है और ये देखिए आप ये पंजे बहुत बढ़िया, और ये देखिए आप ये कबूतर है, कबूतर ये भी इसकी आंख देखते हैं, मतलब इतने लाजवाब कबूतर हैं और इनको उड़ान में डाला जा रहा है। ये देखिए आप आंख देखिए इसकी माशाल्लाह, इसके पर दिखा दीजिए, माशाल्लाह जी पंजे वो दिखा दीजिए जी, ये उड़ान में खराब जी। तो ये तो दोस्तों देखिए ये शौक है, आज उस्ताद अशरफ साहब की छत पे ये सारे दोस्तों ने बहुत मदद की हमारी, उनके शागिर्दों ने भी और साथ में हमारे कमेटी मेंबर्स के जनाब यूनुस साहब, हैदर भाई, आसिफ भाई, इन सब ने बहुत मदद की, और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो भोपाल पिजन्स के अंदर भोपाल पिजन्स को आपकी छत का शौक करने को मिला, और उम्मीद है सारे दोस्तों को भी पसंद आया होगा ये शौक, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक बार सारे कबूतर दिखा दूं जिनका आपने शौक कराए, तो दोस्तों आज इन सारे कबूतरों का आपने शौक करा और मेरे को भी बहुत मज़ा आया, सारे टोंक वाले कलसरे अम्बल सरे सारे कबूतरों का शौक करने को मिला, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। टोंक की जो बेहतरीन नस्लें हैं कई दूर दूर तक फैली हुई हैं दोस्तों, और भोपाल में तो ख़ास तौर से गढ़ है एक तरीके से कबूतरबाजी का, जहाँ पर आपको हर नस्ल मिल जाएगी जो आपको चाहिए, दीगर नस्लें और प्योरिटी फॉर्म में भी कई दोस्तों ने रख रखी है, आज आपको प्योरिटी वाली कई नस्लें देखने को मिली, और उस्ताद यूनुस साहब के अभी आपने देखा था जो प्योर टोंक वाले होते हैं वहाँ पे मौजूद थे, और आज उस्ताद अशरफ साहब के यहाँ जो मज़ा आया टोंक वाले कबूतर देखने का, शौक करने का, वो वाकई मज़ेदारी थी इसके अंदर, मेरे को बहुत मज़ा आया, उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, जय हिंद जय भारत।